अस्सलाम वालेकुम, लोस्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लोस्टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं वो हारमोनियम नवाज़ हैं। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सियाती रंग मत दीजिए, सियाती रंग मत दीजिए, सिर्फ हारमोनियम वाले साहब बैठे हैं वो कहिए। जो शहनाई बजाता है उसको शहनाई नवाज कहते हैं, सितार बजाता है उसको सितार नवाज कहते हैं, तो मैंने आपको हारमोनियम नवाज कहा है। मैं क्या इसमें सियासी रंग का मैं क्या बजा रहा हूँ? हारमोनियम, हारमोनियम बजा रहा हूँ जी जी। तो कहें हारमोनियम वाले साहब, सियासी रंग मत दीजिए। अच्छा ठीक है, हारमोनियम नवाज जी सब नहीं। अच्छा आप एक सेकंड देखिए, मैं कभी इस तरह की बात करता नहीं, मगर मैं एक ये हारमोनियम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके दांत जो है ना ये बिल्कुल हारमोनियम की तरह लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझको। मुझे पहले भी कई दफ़ा लोगों ने कहा और मैं खुश होता हूँ। अच्छा, इस बात से मैं खुश होता हूँ। अच्छा अब ये देखो ना, इसमें तीसरा काला गायब है, तीसरा काला मैंने बनने भेजा है। अच्छा। तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो या मुझसे इंटरव्यू करने आए? अच्छा, ये हारमोनियम बजाने का शौक है आपको? क्या हारमोनियम बजाने का शौक है? अबे साले, जो माफ करना, मैं जो तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, जब हारमोनियम बजा रहा हूँ तो जाहिर है हारमोनियम बजाने का शौक, लेकिन शौक मुझे कुछ और भी। और कौन से शौक है? अगला सवाल करो। हारमोनियम क्यों बजा रहे? हारमोनियम क्यों बजा रहे हैं आप? धुन बना रहे हैं। कौन सी धुन बना रहे हैं? कौन सी धुन बना रहे? एक धुन बना रहे हैं, लेकिन धुन बन नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है? धुन इसी नहीं बन रही है कि हारमोनियम बजाने नहीं आता। रोजी मेरे ऊपर बैठी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हारमोनियम बजाना नहीं आता मुझे। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, ये बात नहीं, जाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। कहाँ बजाते थे? कहाँ बजाते थे अब्बा हारमोनियम? कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे। किसके पीछे बजाते थे? ऊँट के पीछे। क्या? अबे साले, जब जाहिर जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ़ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, जब जाहिर हारमोनियम बजाएंगे तो किसी ना किसी के पीछे तो बजाएंगे ना। खातून के पीछे बजाते थे। खातून गाने गाती थी? खातून गाने गाती थी? नहीं, खबरें पढ़ती थी। खबरें पढ़ती थी? क्या मतलब? अबे साले, जब तमीज से बात करें, माफ़ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, भाई जाहिर है वो खातून के पीछे जब अब्बा हारमोनियम बजाते थे तो इसका मतलब यही है ना कि खातून गाती थी, ठुमरी गाती थी, गजलें गाती थी, मशहूर थी। मशहूर थी? नहीं, खैर इतनी भी मशहूर नहीं थी, मशहूर थी लेकिन उनकी वजह शोहरत कुछ दूसरी थी। असल में उनकी गायकी की तारीफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी नहीं दिया, बल्कि पब्लिक के 8-10 लोगों ने उनको तमगा हुस्न कारकर्दगी दिया। उनमें मुझे यासीन भाई ने बताया कि एक नाम आपका भी था। फजूल बातें मत करें आप। तो मैंने कहा कि भाई जब आपका नाम है तो इस नाते से मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में आया, वरना मेरा इस प्रोग्राम में क्या ताल्लुक? आप फजूल बातें मत करें, आप करते हैं सियासी बातें। जो सवाल आपसे किया जाए सिर्फ उसका जवाब दें, और ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करें। अच्छा, मैं नहीं जानता उनका। जो अपने पे आई तो सुनी सुनाई हो गई। खैर, आजकल आप धुन बना रहे? आजकल मैं धुन बना रहा हूँ, कौमी नगमे की धुन बना रहा हूँ। कौमी नगमे की धुन? कौमी नगमे, लेकिन धुन आ नहीं रही है। लिखा किसने है ये कौमी नगमा? ये कौमी नगमा लिखा किसने है? ये कौमी नगमा ये लिखा है तोहमत मुरादाबादी ने। तोहमत मुरादाबादी? मुरादाबादी कौन है? ये शायर है, रूस के सदर हैं, रशिया के सदर हैं तोहमत मुरादाबादी।
क्या बातें कर रहे हैं आप? अबे साले, जब जाहिर है एक आदमी जब शेर कह रहा है तो शायर ही होगा। तभी से माफ करना, तभी से बात मैं दो निकल जाता हूँ, तभी से बात करें भाई। वो शायर है, शायर है। एक तो आप लोगों को बुलाओ अपने प्रोग्राम में, फिर आप किस तरह की जबान आप लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जबान नहीं, देखो इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तुम लोग झूठे हो, आम जिंदगी में मैंने आपको देखा रिकॉर्डिंग पर, किस कदर गलम गलो, बदतमीजी, बेउद्दी। यहाँ के मौजिज हम ऐसे नहीं, जो हैं वह हैं। बोल क्या है तराने के, जो कौमी तराने के बोल क्या? यही तो नहीं बता रहा वो शायर, यही तो वो नहीं बता रहा। पूरी पेमेंट ले चुका है, 170 रुपये कैश पेमेंट कर चुका हूँ तराने के। 170 रुपये? 170 रुपये। मैंने कहा भाई अब तो मुझे बोल बता दो, कह रहा नहीं पहले धुन बता। अब धुन जो है वो निकल नहीं रही है। सुबह से बैठा हुआ हूँ कि अब निकली, जब निकली, अब निकली, जब निकली, बहुत जोर लगाया कि किसी तरह हारमोनियम पे आ जाए, नहीं आ रही। क्या धुन क्या है, जरा आप सुनाइए मुझे, क्या बनाइए धुन? हारमोनियम बजाने नहीं आते, सीख रहा हूँ, तुम देख लेना, सीख जाऊँगा। बस शुक्रिया, बस आप ये है असल में ट्रीप का। ऐसा करें यहाँ से अलाप से शुरू होगी। ऐसा करें थोड़ी देर को हारमोनियम को भूल जाए। अच्छा, और उस कौमी नगमे को भूल जाए। भूल गया, और कोई और बात करते। अच्छा, कोई और बात करते। वो जो खातून जिसका भी मैंने जिक्र किया, उसकी एक बेटी थी, वो कहाँ है आजकल? आपका दिमाग दुरुस्त है? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अबे तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। ताले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जब तुमने कहा कि भाई कोई और बात करूँ, तो मैंने पूछा कि उनकी बेटी कहाँ, बताओ, जवाब दो कहाँ को। मैं ना उनको जानता हूँ ना उनकी बेटी को जानता हूँ। इस बात पर तो धुन कंप्लीट हो जाएगी मेरी। गुफ्तगू जारी है जी, कौमी तराने की धुन पहले जाएगा। अब बोल बता दे, बोल नहीं बता रहा मनुष्य। आप इश्तार देखिए जी प्लीज। जी वक्फा खत्म हो चुका है, अभी तक बताया नहीं आपने कि आप क्या करते हैं। अबे तमीज से बात करें। तमीज से? जी चलो, मैं काम करता हूँ कि मैं तमीज का तबला फाड़ के हारमोनियम में रख देता हूँ। तमीज तमीज तमीज, मुल्क के हालात देखो और मुझसे कह रहे हो तमीज से बात करो। भाई आप जो बात कह रहे हैं वो भी किसी हद तक दुरुस्त है, मगर मुझे आप किसी एक मुल्क का नाम बताइए जहाँ के हालात अच्छे हों। मुझे आप किसी एक मुल्क का नाम बताइए जहाँ के हालात अच्छे हों। इस्लामाबाद? इस्लामाबाद मुल्क नहीं है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। अबे न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, समझ में आई बात? वो कह रहे हो तमीज 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 से बात करो। बहुत सों के पास ही सब कुछ नहीं है, मगर वो तमीज़ का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ते। किस पार्टी को वोट दिया आपने? किस पार्टी को वोट दिया है? मुस्लिम लीग टे को। मुस्लिम लीग टे? ये कौन सी पार्टी है? मुस्लिम लीग टे कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए उसको वोट दिया। थोड़ी देर रुक दे, हारमोनियम बजाने में तो तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, मेरे हारमोनियम बजाने में मेरा मतलब है कि ये जो फैसले अभी देखिए, नई हुकूमत है, ये कुछ फैसले कर रहे हैं ये लोग, और सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, हालात बदलेंगे। सब फैसले कर रहे हैं जी, ये फैसले कर रहे हैं, गैर मुल्की होटलों के अंदर बैठ कर मुल्की फैसले कर रहे हैं, जो मर्जी आ रही है खा रहे हैं, कीमती सूट पहन रहे हैं, आठ आठ मकान हैं, घर में गानों की मौसीकी की महफिलें हो रही हैं, और गरीब के लिए 8 रुपये की रोटी। ये हुकूमत अभी नई आई है, खुद मुश्किलों में मैंने कहा गिरफ्तार है। या हारमोनियम ना बजाएं, हारमोनियम ना बजाएं, हारमोनियम ना बजाएं। और ये लोग जो इस मुल्क का हारमोनियम बजा रहे हैं, तो तुम कुछ नहीं कर रहे। मैंने एक हारमोनियम पर ट्यून छेड़ दी तो तुम्हें एतराज हो रहा है? मुझे एतराज नहीं है, मगर आपने खुद फरमाया कि आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता है? आपने खुद कहा मुझसे कि आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता। हुकूमत को हारमोनियम बजाना आता है? हारमोनियम बजाना आता है? नहीं आता ना, फिर भी बजा रही है ना हारमोनियम। अवामी हुकूमत आई है पावर में, तो कितनी दफा आएगी? आराम से, आराम से।
क्या हो गया? रो रहा हूँ मैं। क्यों? 2 महीने से गोश्त नहीं खाया मैंने। 2 महीने से गोश्त नहीं खाया। 2 महीने से गोश्त नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। बताओ ना, रोटी खरीद सकते हैं ना, आटा खरीद सकते हैं ना, चावल खरीद सकते हैं ना, चीनी खरीद सकते हैं। कहते हैं कि मुल्क जो है तरक्की की जानिब गामजन है, ये किस किस्म की तरक्की है? कामरान अकमल लग रहे हैं मुझे आप, बिल्कुल ग्रेट क्रिकेट प्लेयर लग रहे हैं मुझे आप। अच्छा ये बताइए, 20 बच्चे हैं? कामरान अकमल भी हारमोनियम बजाता है? नहीं, वो 20 बच्चे हैं आपके? मेरे जी 2 बीवियां हैं और 8 बच्चे हैं। अपनी आमदनी देखिए और अपनी हरकतें। हरकतों से क्या ताल्लुक है भाई शादी का? 2 बीवियां? अबे जरूरत तो 1 बीवी की भी नहीं थी, बस क्या करें, 2 बीवियां और उनके जो 8 बच्चे हैं। बहुत मुझसे बदतमीजी करते हैं और कई दफा तो हारमोनियम खींच के मुझे मारा। ये देखो पैसे दे दे के रिपेयर करवाया। एक दफा तो मेरे 8वें बच्चे ने मेरा आड़ा चौताला निकाल दिया हारमोनियम का। गुफ्तगू जारी है आप। जी इसको बंद कर दें प्लीज़, प्लीज़ बंद कर दें इसको। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। आपके 8 बच्चे हैं और 2 बीवियाँ? जी असल में 8 बच्चे और 2 बीवियों का पालना इस महंगाई के दौर में मेरी कुछ समझ से बाहर है। सियाणपति नहीं, सियाणपति नहीं। पहली मेरी जो शादी थी वो मेरे अब्बा के हुक्म से हुई थी, उनकी पसंद की थी, नाकाम हो गई। आप नाकाम करें, पहली शादी से आपके 3 बच्चे हैं। अबे शादी एक इम्तिहान होती है, जिस इम्तिहान में मेरी बीवी फेल हो गई, मुझे मजबूरन सप्लीमेंट्री में बैठना पड़ा। पहली को छोड़ दिया? नहीं नहीं, कैसे छोड़ते, इजारबंद खरीदने के पैसे नहीं है, मेहर के पैसे कहाँ से अदा करते? आपके पास इजारबंद खरीदने के पैसे नहीं है नहीं। और आपने दूसरी शादी कर ली। एक बात बताओ, ये तुम महंगाई से हट के मेरी बीवियों की तरफ क्यों आ गए? मेरा मतलब था कि इंसान को चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। मैं जब पैर फैलाता हूँ तो चादर में 3 फुट जगह बचती है, मैं तो 3री की सोच रहा हूँ। आप मेरे प्रोग्राम में क्यों आए? किसमें? मेरे प्रोग्राम में क्यों आया? मैंने सुना था कि जो भी आर्टिस्ट तुम्हारे प्रोग्राम में आता है हिट हो जाता है। जी मैंने सुना था कि तुम्हारे प्रोग्राम में जो भी आर्टिस्ट आता है हिट हो जाता है, तो मैं इसलिए आ गया। आपको तो हारमोनियम बजाना भी नहीं आता। याद रखना, हारमोनियम और तालीम किसी भी उम्र में पाई जा सकती है। मुझे आपके 8 बच्चों की फिक्र है। क्या है? मुझे फिक्र है आपके 8 बच्चों। तुम्हें मेरे 8 बच्चों की फिक्र है? तुम्हें उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। नौकरी करेंगे आप? है? नौकरी करेंगे? किस किस्म की? कोई भी, मतलब अब तो मजदूर की तनख्वाह भी कम से कम 6,000 रुपये है। नहीं नहीं भैया, मैं वजन नहीं उठा सकता, मैं वजन नहीं उठा सकता, मैं सिर्फ बीवी को सोते में से उठा सकता हूँ। वैसे एक बात सुनो, अगर किसी इदारे का MD अच्छा काम नहीं कर रहा है तो मुझे उस इदारे में MD लगवा दो। मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, आप मजाक के मूड में हैं। नौकरी करना चाहेंगे? गाड़ी चलाना आती है आपको? गाड़ी नहीं भाई, हमें सिर्फ हाथ चलाना आता है। सुनो, अगर तुम वाकई संजीदा हो कि मुझे तुम दिलवा दो कोई काम, तो सिंधी वीडियो में मुझे मेल मॉडल का रोल दिलवा दो। काय में? सिंधी गानों के वीडियो में मेल मॉडल का मुझे रोल दिलवा दो, हाथ हिलाऊंगा मैं। अच्छा एक काम करते हैं, तुम मैं तुम्हें थोड़ा सा वो दे देता हूँ, बता देता हूँ थोड़ा सा रिहर्सल करके, तुम थोड़ी देर के लिए मॉडल बन जाओ, लड़की। पागल हुए आप? नहीं, एक दफ़ा तुम अपने आप को हसीन समझो, तुम समझो तुम एक खूबसूरत खातून हो। चश्मा दिमाग खराब है आप? नहीं, मुझे पता है मेरा दिमाग ख़राब हो इस वक्त है, लेकिन तुम ऐसे ही कह रहा हूँ, उतारो चश्मा, उतारो चश्मा, उतारो। चश्मा किसे कहते हैं? चश्मा, चश्मा इसको, चश्मा उतारो। तुम किसको समझ रहे हो? चश्मा, चश्मा, चश्मे को चश्मा, चश्मा उतारो। ओहो, अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ, अब तुमने फीमेल मॉडल बनना है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मैं कसम है तुम्हें, देखो मज़ा आएगा।
मैं क्या करूं? मैं तुम सिर्फ अदाकारी करो, अब मैं गाना गाते हुए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राहत मिले थी दर्द में, हाँ बिल्कुल सही ऐसे ही ना मुझ वायरल। राहत मिले थी दर्द में, माँ प्यारता सदके इनप्या। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, मैं अकेला गा लेता हूँ। इन प्यारता सदके, कैसे कैसे था? यूँ करना, एक दो यूँ करो। बस हो गया, करो ना, कितने मनुष्य लग रहे हो, खौफनाक डकैत। इजाजत दीजिए, ऐसे भी लोग हैं दिलदार, गम खुदा अता करो बीमारता सदके।